नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम हैं वारशावा में, जो कि है आपकी पोलैंड की कैपिटल सिटी। और आज के ब्लॉग में हम करने वाले हैं ट्राई जॉर्जियन फूड। तो आज खाते हैं जॉर्जियन फूड और देखते हैं कि कैसा होता है जॉर्जियन फूड। मैंने एक्चुअली पहले खाया है, लेकिन मैंने आज तक कभी इनकी जो मेन डिशेज़ है वो ट्राई नहीं करी हैं। मैंने सिर्फ कुछ स्नैक्स ही ट्राई करे हैं। तो आज हम करते हैं ट्राई मेन डिशेस भी जॉर्जियन कुजीन के, और देखते हैं कि कैसा होता है एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से जो खुशबू आ रही है रेस्टोरेंट में वो काफ़ी बढ़िया आ रही है, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो लेट्स ट्राई इट आउट और देखते हैं कि कैसा होता है जॉर्जियन खाना और क्या जॉर्जियन खाना कर पाता है इम्प्रेस एक इंडियन को। तो लेट्स ट्राई इट आउट गाइस। तो चलिए पूछते हैं मिस ज़रा से कि हमने खाने में आज ऑर्डर क्या किया है और क्या खाने वाले हैं हम जॉर्जियन रेस्टोरेंट में। आपने बहुत से लोगों को शायद जॉर्जियन डिश के बारे में, जॉर्जियन खाने के बारे में नहीं पता है। तो आज आप देखने वाले हैं जॉर्जियन फूड कैसा होता है और ये टेस्टी है कि नहीं। तो चलिए पूछते हैं मिस ज़रा से कि हमने आज खाने में क्या क्या ऑर्डर किया है। लेट्स ओवर टू मिस ज़रा। सो ज़रा, व्हाट हैव यू ऑर्डर्ड टुडे? You want me to introduce you the most popular dish, khachapuri, Georgian cheese bread. There's many. Look at this. Look at the cheese. Many kinds. This one is Western art style. We call it Megrelian khachapuri. Aha. So Megrelian is the region in Georgia, right? Yes. And this is Megrelian style khachapuri. Yes. And you have more of khachapuris. Different styles, right? Yes. The difference is that this khachapuri has cheese inside and cheese outside and the butter. Can I try now? Looks tasty. Try it out. Very soft. Cheesy. Very soft and cheesy. I like it. तो ये हमारे कुछ आलू के पराठे की तरह है। आलू का पराठा नहीं, पनीर के पराठे की तरह है ये। ये एक चीज़ ब्रेड है जिसके अंदर चीज़ भरा होता है और उसकी डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में रीजन्स के अकॉर्डिंग फूड होता है। जैसे आपका यूपी का खाना, बिहार का फूड, महाराष्ट्र का फूड, तो वैसे जॉर्जिया में भी ये खाचापूरी हर जगह पे मिलती है, लेकिन ये जो खाचापूरी है वो मेग्रेलियन खाचापूरी है। मेग्रेलिया एक रीजन है जॉर्जिया में, और ये खाचापूरी जो है, ये जो चीज़ ब्रेड है वो है मेग्रेलियन स्टाइल की खाचापूरी। तो देखने में तो बिल्कुल अपने पनीर पराठे के जैसा ही है, लेकिन खाने में कैसा है? मैंने पहले खाया है, लेकिन मैंने पहले डिफरेंट खाया था। उसका जो होता है शेप वो डिफरेंट होता है। ये मैंने ट्राई नहीं किया है, तो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है खाने में। It was at this moment that he knew. He found it. I'm recording myself. You need to turn to my side. Ah, it's already recording. Ah, okay. All right, guys, I will show you how this guy is eating Georgian Megrelian khachapuri. Be ready. ये रही की खाचापूरी, और चलिए खाते हैं। मैंने खा लिया है, लेकिन दोबारा से खाते हैं और आपको दिखाते हैं कि खाने में इसका टेस्ट कैसा है एग्जैक्टली में। तो पहले अभी देख लीजिए, ये ब्रेड के जैसा ही है, अंदर इसकी चीज़ भरा हुआ है। और अभी मैं एक बाइट लेता हूँ, देखता हूँ कि एग्जैक्टली में इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। सो लेट्स टेक अ बाइट। सच अ बिग बाइट। ये बिल्कुल पनीर पराठे के जैसा ही है, जैसे हमारे होता है पनीर पराठा, बस इसमें सिर्फ प्याज और मिर्च नहीं है। बाकी टेस्ट बिल्कुल इसका पनीर पराठे के जैसा। तो खाने में काफ़ी डिलीशियस, काफ़ी अच्छा, और इसका नाम है मेग्रेलियन खाचापूरी। टेन आउट ऑफ टेन फॉर प्रोनंसिएशन। वेल, लेट्स इंडियन बॉय ट्राई जॉर्जियन वाइन। घंटे का मेरे को कुछ पता नहीं है वाइन के बारे में, सिर्फ मुझे पता है बियर के बारे में, सिर्फ मैं बियर पीता हूँ, वाइन का मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी बात इज्जत की है, तो ड्रामा करते हैं और दिखाते हैं अपना आपको एक वाइन कॉनेसोर, और ट्राई करते हैं ये जॉर्जियन वाइन, तो देखते कैसी होती है एग्जैक्टली में। मैंने वाइन पी रखी है, मैंने वाइन पी है पहले भी, तो मेरे को खास टेस्ट उतना मेरे को पसंद नहीं है वाइन का, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है वाइन वगैरह। लेकिन तब भी देखते हैं कि ये एग्जैक्टली है कैसे पीने में, अच्छी है बुरी है कैसी है, देखते हैं। तो पहले लेते हैं, स्मेल बढ़िया सी। इट्स सेमी ड्राई, स्मेल जो है वो बिल्कुल और जैसी होती है वाइन वैसी है, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं। पी के देखते हैं कैसी है। चीयर्स।
Cheers, cheers, cheers. It's dry, yeah, right? Taste, जैसे कि मैंने पहले वाइन भी रखी है ऑलमोस्ट वैसा ही है लेकिन इसमें स्वीटनेस कम है तो मेरे ख्याल से ये बिकॉज ये जॉर्जिया काफ़ी फेमस अपनी वाइन्स के लिए तो इनकी जो वाइन्स होती हैं वो काफ़ी होममेड होती हैं और इसमें ज़्यादा ये आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं करते तो मेरे ख्याल से इसलिए ये इतनी स्वीट नहीं है और काफ़ी इसका जेन्युइन फ्लेवर है काफ़ी जेन्युइन टेस्ट है तो अच्छी है लेकिन अब पूछते हैं वेरा से क्योंकि ये वाइन पीते हैं तो इनको पता है वाइन के बारे में तो ये ट्राई करेंगे जॉर्जियन वाइन पोलैंड में और बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है पोलैंड में सो लेट नाउ वेरा यू ट्राई एंड यू टेल अस हाउ इज द टेस्ट फॉर यू बिकॉज दिस इज नॉट जॉर्जिया यू आर इन पोलैंड सो हाउ डू यू लाइक द वाइन जॉर्जियन वाइन इन पोलैंड कम ऑन हैव हैव अ गो आई विल ट्राई योर वाइन इट्स सेमी ड्राई सपेनावे very dry taste and it helps you to recover your health somehow. Wow, it's dry. It's not sweet, it's dry. It's nice taste and it's soft. Really? Yes. And when you compare the wine you drank in Georgia and the wine that you're drinking here in Poland, do you find any difference or is it like authentic Georgian wine? It's a same wine we have in, you can buy it in shops, mm-hmm. in souvenir shops, mm-hmm. but if you compare with wine which we are making at home, there's a little bit difference. You like it, right? Yes, of course I like it. All right. So, chaliye aapko dikhate hain sabse jo kamaal ki cheez hai, Georgian food ki, aapko dikhate hain wo cheez. Aur wo cheez kya hai? Wo cheez hai जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है इंडिया में जब मैं था तो मैं ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट स्नैक्स था जॉर्जियन इसका वर्जन है और ये जो इसका जॉर्जियन वर्जन है वो देखते हैं कितना सिमिलर है हमारे इंडियन वर्जन से टेस्टी है या टेस्टी नहीं है चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है ये सो इट्स टाइम फॉर द रिवील और ये रहे हमारे जॉर्जियन मोमोज वाओ What do you call it, Vera? What's the name of this dish? This is most popular dish, khinkali. Uh-huh. It's like big dumplings mm-hmm. with different kind of meat mm-hmm. or cheese or potato mm-hmm. and there's juicy, so juicy inside. And the main thing, until it's very hot, you need to apply black pepper mm-hmm. on it and eat. The way you should eat, it's like make a first bite. Let me show us you. Show us how. Okay, like black this. Pepper, काली मिर्च डाल दी है मैंने like this. Okay. Like this. तो पड़ गई यहाँ पे काली मिर्च Yes, we take और on this bottom. Mm-hmm. And the way you eat, no forks, no knife, nothing. You make a first bite and you swallow all the juice. Then you continue eating. Look at the steam. Watch me. Oh, that's really good. Yeah. After a long time, I wish I could make it at home, but it's a profession to be a khinkali maker. Really? Wow. तो सर ये जो डिश है ये बिल्कुल मोमो की कॉपी है मोमो की कॉपी बिल्कुल भी नहीं मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन बिल्कुल सिमिलर है मोमोज से वैसी ही फिलिंग और वैसा ही इसका बाहर का टेक्सचर लेकिन ये थोड़ा सा थिक होता है और इसके अंदर सिर्फ होता है मीट आपके पास चॉइस है चूज़ करने के लिए आप कर सकते हैं चूज़ बीफ या फिर आप चूज़ कर सकते हैं मटन तो अभी ट्राई करने वाला हूँ मैं ये जॉर्जियन मोमो और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है And when you finish khinkali, most of the people they say that you should not eat this dough. Mm-hmm. But for me, it's the most delicious. तो ये इसके पीछे की जो पूछ है वो है ये ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं और फेंक देते हैं जैसे कि हम पिज़्ज़ा खाते हैं और साइड का हम ये जो डो होता है वो फेंक देते हैं लेकिन वेरा बोल रही हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है तो ये खा रही हैं इनकी बकचोदी शुरू हो चुकी है चलिए ट्राई करते हैं ये जॉर्जियन मोमोज और देखते हैं ये एक्चुअली में है कितने बढ़िया सो लेट्स ट्राई इट वेरा यू गॉट टीच मी हाउ टू ईट इट आई फॉरगॉट All right, take, we put black pepper on it, now yes. hold it very comfortably with one hand, okay. turn a little bit left, you need to take a bite from the side,
side. This side, yes. Ah, take a bite and same time, yes, swallow the juice. Swallow the juice. Yes. First bite should be like this. Mm. It's really good. Now I can eat, right? Yes, you can properly. The main thing that you should not use any forks and knives. Mm-hmm. You should eat it with your hands. This is the most delicious thing. Oh God! Now I think he's not able to tell me because he's in a shop. It was so delicious. तो खाने के बाद exactly में कैसा था ये? ये काफी ज़्यादा है similar हमारे momos के. बहुत similar है momos से ये. इसका जो खाली जो इसका layer है वो थोड़ा thick है. और मोमो का हमारे थिन होता है, पतला होता है हमारे मोमो का, लेकिन इसका जो लेयर है वो थोड़ा काफ़ी मोटा है. अंदर का जो उसका टेस्ट है उसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस का मुझे टेस्ट आ रहा है, लेकिन हमारे मोमोज में प्याज और जिंजर और गार्लिक ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन शायद यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ गार्लिक का ही टेस्ट आ रहा है और थोड़ा थोड़ा जिंजर का टेस्ट आ रहा है. प्याज मेरे ख्याल से इसके अंदर नहीं है, लेकिन खाने में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी डिलिशियस, गुड, मज़ा आया खा के. तो आपकी अगली डिश है ये जॉर्जियन कबाब. ये कबाब काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हमारे कबाब से, जैसे हमें मिलते हैं कबाब पुरानी दिल्ली में अंगीठी के ऊपर सेक के, वैसे ही कबाब है ये. और साथ में इसकी दी हुई है चटनी और प्याज, तो काफ़ी ज़्यादा ही सिमिलर ये हमारे कबाब से. इसको भी खाते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है, लेकिन खाने से पहले वेरा से पूछते हैं कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में. तो शुरू करिए बख्शुदी. वेरा जी, व्हाट्स द हिस्ट्री बिहाइंड इट? व्हाट इज़ इट? व्हाट इज़ द डिश? So tell us a little bit about this dish. Kebab, Lula Kebab. What is the name once again? Lula Kebab. Uh-huh. Lula Kebab. And why you say, why you call it Lula Kebab? I don't know. Uh-huh. That's how I know. Uh-huh. They should serve it with pomegranate seeds. Uh-huh. Like it is now. Anar ka dana. Fresh red onions. Uh-huh. This can be, cannot be. It depends. ये एक चटनी है. What do you call it? और साथ में एक ब्रेड है ये. चपाती, रोटी की तरह है यहाँ पे. This you can eat with the knife and fork. So right now I'm gonna try one. एक तो ये यहाँ पे जो ढोंग है, छुरी काटे वाला, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. Let's try it. Ajika, we call it ajika. मजबूरी में करना पड़ता है. Spicy sauce. हाँ. With chili and tomatoes. How do you like it? It's very flavored. Mm-hmm. Nice. It's nice. I miss Georgian cuisine. तो चलिए खाते हैं ये kebab. Kebab दिखाइए एक बार वेरा जी. चलिए खाते हैं ये Georgian kebab. लेकिन आप मुझे दिखाइए प्लीज. चलिए खाते हैं Georgian kebab. लेकिन खाते हैं इसको हम इंडियन स्टाइल में. और कैसे खाएंगे हम इंडियन स्टाइल में? साथ में इसके यहाँ पे दी गई है रोटी. तो ये रोटी लेते हैं थोड़ी सी. रोटी को तोड़ते हैं. इस पे रखते हैं थोड़ा सा कबाब, थोड़े से प्याज रखते हैं इस पे, और रखते हैं ये हरी धनिया, और इसे करते हैं, इसको करते हैं ऐसे, और इसको करते हैं. Look at this beauty. खाने में ठीक ठाक है. हमारे पुराने दिल्ली के कबाबों का कोई मुकाबला नहीं है. खाने में ठीक ठाक. तो आके वेटर ने बीच में कर दिया डिस्टर्ब. तो बात कर रहे थे हम जॉर्जिया की. तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 3.6 मिलियन के करीब करीब है. काफ़ी एक छोटी सी कंट्री है ये एशिया और यूरोप के बीच में. और ये करती है नेबर ये कंट्री आपकी रशिया से, टर्की से, अजरबैजान से और आर्मेनिया से. ये कंट्री है इनके बीच में. और ये ब्लैक सी पे है, ये कंट्री ब्लैक सी पे है. काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर जगह है ये. तो हम यहीं का खाना आज ट्राई कर रहे हैं. ये जॉर्जिया, ये वाला जॉर्जिया है. ये जॉर्जिया यूस वाला जॉर्जिया नहीं है. और ये है हमारी जॉर्जियन ब्यूटी मिस वेरा. तो चलिए आपको दिखाते हैं जॉर्जिया की एक और बहुत चमत्कारी डिश. ये चमत्कारी डिश किस लिए है ये आप देखो और ख़ुद बताओ मुझे. और इसका शेप जो है वो दिखने में मुझे किसी चीज़ के जैसा लग रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं कैसा लग रहा है. आप मुझे देख के बताओ
क्या मैं जो सोच रहा हूँ आप भी वही सोच रहे हो? देखते हैं कि हम दोनों क्या सोच रहे हैं। सारे कॉमेंट्स में लिख के बताओ कि ये डिश कैसी दिखती है। तो ये है वो डिश। It's so soft and hot. इसका शेप कुछ ज़्यादा ही सिमिलर है किसी चीज़ के। ये मैं नहीं बोलने वाला, ये आपको करना है कमेंट में और बताना है मुझे कि ये किस चीज़ के जैसा दिखता है। ये तो सर्व कर दी गई है हमें अगली डिश। और ये डिश है, यहाँ पे कुछ आलू हैं और शायद ये पोर्क है। ये अंदर पोर्क और आलू है और साथ में इसके ये है ब्रेड। तो ये बिल्कुल हमारे करी जैसा है, जैसे हम घर में बनाते हैं अपना चिकन करी, मटन करी वगैरह, ये ठीक कुछ कुछ वैसा ही है। तो अभी खाते हैं और देखते हैं कि खाने में कैसा है ये, इसका टेस्ट कैसा है, स्पाइसेस कैसे इसमें होते हैं, कितने डिफरेंट हमारे इंडियन फूड से। तो लेट्स ट्राई। तो चलिए इसको डालते हैं प्लेट में, खाते हैं। काफ़ी गर्म, इससे भाप निकलती हुई, काफ़ी मसालेदार। तो ये आ गई हमारी प्लेट में और साथ में धनिया की पत्ती जो कि बहुत ही कमाल। खाते हैं उसको, देखते हैं खाने में इसका टेस्ट कैसा है। तो खाना बहुत खा लिया और पेट काफ़ी ज़्यादा भर गया है, लेकिन जो खुशबू आ रही है इस जॉर्जियन करी से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रही है। तो उसको मैं ज़रूर खाऊंगा और खा के चेक करते हैं कि ये कितनी सिमिलर है हमारी करी से, जो हम खाते हैं इंडिया में चिकन करी, मटन करी, उससे कितनी सिमिलर है। तो लेट्स ट्राई एंड लेट्स चेक इट आउट गाइस। और यहाँ पे एक सबसे जो बढ़िया है यहाँ पे जो चीज़ है ये चटनी, ये बिल्कुल हमारी टमाटर मिर्च चटनी के जैसी है। बिल्कुल स्वाद भी बिल्कुल उसका वैसा ही, बिल्कुल सिमिलर टेस्ट। तो थोड़ी सी चटनी लेता हूँ यहाँ पर मैं। और ये है आपका ब्रेड। इस ब्रेड में लेते हैं एक बढ़िया सा इसका बाइट, इसको डिप करते हैं इस चटनी के अंदर और ये जाएगा अब मेरे मुंह के अंदर। Why are you laughing? इसके अंदर शिमला मिर्च पड़ी हुई है जिससे उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा थोड़ा स्वीट साइड पे जा रहा है, लेकिन टेस्ट वाकई में इसका काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिमिलरिटी इसकी नहीं है हमारे हमारी करी से, कुछ कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट मिलता जुलता, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग। लेकिन खाने में काफ़ी डिलीशियस, खाने में काफ़ी अच्छी। लेकिन जो चटनी है ये टमाटर की, ये बिल्कुल हमारे जैसे चटनी बनती है टमाटर की, टमाटर और मिर्च की, वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनती है और ये बिल्कुल वैसे ही डिश कर रही है। और ऐसे खाने में मुझे आ रहा है काफ़ी ज़्यादा मज़ा दोस्तों। अब बेला जी करने वाली हैं ट्राई ये जॉर्जियन करी या जो भी है ये, और ये बताएंगी इसके खाने में टेस्ट कैसा इसका है, क्योंकि अभी जो वेरा है पोलैंड में और ये ट्राई कर रही है जॉर्जियन फूड पोलैंड में। Over to you, Vera. So what is this dish? Tell us about this. I knew that you would like this, that's why I ordered. This dish we call ojahuri. Mm-hmm. Ojahuri means family style. Mm-hmm. It's, if you explain simply, it's pork meat mixed with the potatoes, tomatoes and spices, mm-hmm. juicy. Mm-hmm. And this bread. Yes, it's very healthy bread. Actually, we bake it in the brick or stoves. We build it under the ground. Mm-hmm. We build it, it's very deep, and we bake it very quickly. We take it out, it must be fresh and hot. And you eat with this kind of food. तो जैसे हमारे यहाँ तंदूर होता है, वैसे तंदूर के टाइप का ही कुछ होता है जिसमें ये ब्रेड को करते हैं ये बेक। But Vera, why is the shape is like this? What's the history behind the shape? Actually, what is the inspiration for the shape? You should ask the chef, but I never seen shape like that. But taste it similar as in Georgia. Yeah, I swear. Yes. Okay. Take a bite and tell us how is it. It's spicy enough. Let me try this ajika. Mm-hmm. Spicy tomato chili sauce. All right. Mm. The moment you taste this aroma, it goes in your brain. Mm-hmm. It's very tasty. I love it. So you like it? Yes. All right. तो फटाफट से खाते हैं इसको, ख़त्म करते हैं इसको, क्योंकि ये काफ़ी खाने में डिलीशियस, काफ़ी टेस्टी है। और इसको खाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। और मेरी वाइन अभी तक ऐसी पड़ी हुई है, मैं सिर्फ आधी पी पाया हूँ। तो हमारी टेबल हो गई है साफ, जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ नहीं, सब कुछ हो गया साफ। काफ़ी खाना खा लिया हमने और खाना खाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा मुझे जॉर्जियन खाना अच्छा लगा और मैं ज़रूर दोबारा खाना चाहूँगा जॉर्जियन खाना, क्योंकि काफ़ी डिलीशियस, काफ़ी थोड़ा डिफरेंट,
लेकिन थोड़ा सिमिलर भी, और खाने में जो टेस्ट था चीज़ ब्रेड का, डम्पलिंग्स का, और ये जो इनका करी था उसका, काफ़ी बढ़िया। और जॉर्जियन बियर में आपको दिखाई नहीं मैंने, लेकिन ये जॉर्जियन बियर थी हमने जो पी थी यहाँ पे, उसका भी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तो खाना हमने कर दिया ख़त्म और अभी निकलते हैं यहाँ से। और ये जो खाना था वो हमने ऑर्डर की करीब करीब 4 या 5 मेन डिशेस, और हमने ऑर्डर करी बियर और वाइन, और ये सबका जो बिल आया है टोटल वो आपका आया है 197 ज़ोटे 50 ग्रोशे 197 ज़ोटे एंड 50 ग्रोशे। ग्रोशे जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं पैसे, उसकी तरह ये ग्रोशे। तो ये हमारा बिल था दो लोगों के लिए, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही खाना हमने ऑर्डर किया था ताकि आपको हम दिखा सकें कि जॉर्जियन फूड एक्चुअली में होता कैसा है, और मैं भी इसको ट्राई कर सकूं। तो जो ये आपका इंडियन करेंसी में जो उसका कॉस्ट होगा वो करीब करीब मेरे ख्याल से आपको इसको 18 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 197 को, तो एग्जैक्टली 4,000 के करीब करीब शायद हमने खा लिया होगा, 3,500-4,000 के करीब करीब हमने खा लिया है। ये इसका बिल आया है, और ये जो बिल है पोलैंड में ये एक नॉर्मल बिल है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, आप 2-3 अगर लोग हो तो आप इतना खर्चा करते हो। तो ये रहा आपका बिल, और आज का खाना काफ़ी बढ़िया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जरा चला सर, एक्सपीरियंस वाज नाइस, स्पेशली आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नॉट हैविंग जॉर्जिया फूड। आई वाज वेरी सैटिस्फाइड विद दिस हिंकाली स्पेशली। सो हिंकाली इज द नंबर वन डिश फॉर यू, राइट? यू लाइक द मोस्ट? यस, नॉट ओनली फॉर मी बट इन दिस प्लेस आई वुड लाइक टू से दैट्स इट्स नंबर 1। ऑल राइट, एंड व्हाट अबाउट दिस वाइन? डू यू लाइक इट? यस। एंड दिस बियर? Beer especially, I like dark beer, my favorite. If I drink, I prefer to drink dark beer. Are you happy now? Of course. You don't miss Georgia anymore? No, not today. हाँ जी, तो चलिए ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे, और आगे भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे आपके लिए। तो जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ लाइक करो, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को लाइक तो करो ही करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके लिए हम अच्छे अच्छे ऐसे ही और कंटेंट ला सकें। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम, और मिलते हैं फिर आपसे अगले व्लॉग में। राम राम।